नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 12th क्लास के छात्र छात्राओं का मैं अनिल सर वापस स्वागत करता हूँ फिर। और अपन जो नंबर 6 का पाठ पढ़ रहे थे, आपने देखा है पिछले वीडियो में कि अपन इनका कवि परिचय पढ़ चुके हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी का। और अब हमारे पास जो है इनका पहला जो पद है वो हमारे बीच है। अब देखने वाली बात यह है कि शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय पढ़ने के बाद, क्योंकि जैसे प्रयोगवादी कवि होते हैं ना, उस प्रकार का यहाँ पर आपको एक ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ में सुबह सुबह उषा गुरु भोर की बात करें, उसका इतना मनोहारी वर्णन किया गया है, चित्त को प्रसन्न करने वाला किया है, तो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मनोरम है। वो देखते हैं किस प्रकार से है। तो बात करें कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। अब यहाँ हम सोच रहे देख रहे हैं कि जो हमारे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, वो क्या बता रहे हैं कि प्रातः नभ मतलब जैसे सुबह, जो नभ का अर्थ होता है आकाश से, ठीक है। तो जो आसमानी आकाश है सुबह सुबह जो था कैसा था, बहुत नीला, इतना ज्यादा नीले आवरण का हो रखा था, इतना ज्यादा नीले रंग का हो रखा था कि शंख, शंख का मतलब यहाँ पे जैसे नीला शंख, तो वो शंख वाली बात नहीं है जो बजाते हैं ना मंदिर मस्जिद, वो मंदिर में वो वाला नहीं है। तो शंख क्या है, शंख का मतलब कि बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, बिल्कुल नीला शंख। कई बार राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना कि कालो श्या, बिल्कुल काला ही। तो किसी वर्ण पे जोर देने के लिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीला शंख अर्थात तो बहुत ज्यादा नीले आवरण का आकाश हो रहा था, और कैसा लग रहा था, जैसे भोर का नभ और जैसे सुबह। ये तो क्या है, प्रातः नभ, सुबह जब कवि उठता है उस देखता है कि जो भोर का नभ था। अब भोर का नभ तो बात ही बात करेंगे, तो भोर का नभ यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मानना आपको कि प्रातः नभ था, सुबह का जो आकाश था, आसमान था, वो कैसा था, बिल्कुल नीले रंग का दिखाई दे रहा है, शंख से मतलब बिल्कुल ही उसके जैसा ही, ठीक है। तो बहुत अधिक मात्रा में आकाश का जो वर्ण है, रंग है, वो कैसा है, नीला दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे भोर का नभ, अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बोलो भोर। अब भोर का मतलब होता है कि पो फटने से पहले। अब पो फटना क्या होता है प्यारे बच्चों, को बता दो, ये अपने लोक उक्ति के आधार पे है, मतलब आम बोलचाल होती है गाँव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, या अपने दादा दादी वगैरह होते हैं, पहले के लोग होते हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको भी इनसे रूबरू होना चाहिए कि हिंदी कोई भी शब्दावली हमारे काम आ सकती है। पो फटना होता है जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने से पहले ही, उसके उदय होने से करीब 15-20 मिनट पहले क्या होता है कि उसके उदय होने के संकेत दिखते हैं, पूरा जो आसमान आकाश है या जो धरती है उसमें लालिमा छा जाती है, ठीक है। तो वो उसके क्या कि उसे कहते हैं पो फटना, सूर्य किरण निकलना, हालांकि सूर्य दिखाई नहीं देगा लेकिन उसके उदित होने का से हमें संकेत मिल जाते हैं, तो उसे कहते हैं पो फटना, वे सुबह होने वाली है। कुछ लोग उसी का आधार फूट भी जाते हैं। ध्यान रखें कि भोर का, भोर में कि प्रातःकाल की बात करें, कि एक प्रातःकाल तो सूर्य उदय होने के बाद की बात करें, लेकिन उससे पहले पौ फटने से पहले, सूर्य के उदित होने से पहले का जो है ऐसा नभ दिखाई दे रहा था, वो कैसे दिख रहा था, राख से लिपा हुआ चोखा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जिस थोड़ा ध्यान दे बोर्ड पे एक बार आप, कि आकाश जो है, सूर्य जो आकाश है पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीला है, शंख जैसा बिल्कुल ही नीला है। अब क्यों है, क्योंकि उसके 5, 5:30 या 4 बजे की बात है, तो उस समय ऐसा लग रहा है बिल्कुल काला ये नीला दिख रहा है, बिल्कुल नीला, शंख जैसे नीला, जैसे भोर का नभ। अब अगली पंक्ति में क्या कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे भोर का नभ, अर्थात बहुत जैसे पो फटने से पहले का नभ हो, और वो कैसा दिख रहा है, राख से लिपा हुआ चौका। अब ये बात करेंगे चौका, चौका क्या होता है, वो क्रिकेट वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करें, चौका होता है जब कई बार बोलते हैं ना चूल्हा चौका झाड़ू पोछा ऐसे करते, चूल्हा चौका, तो चौका शब्द होता है कि रसोई बनाने के लिए, हम खाना वाना बनाते हैं, तो वहाँ आज तो खैर सब कुछ डिजिटाइल हो गया है ना, तो मतलब सेटल्ड रसोईयाँ वगैरह होती, किचन जिसे आप कहते हैं, पहले नहीं ऐसा होता था। तो जैसे मान लो कि चूल्हा जो होता है, इस पे खाना पकाते थे, उसके आसपास उसके पूरे जगह पे क्या कहते हैं, लेव लगाते थे, लेव, लेव का मतलब कि गोबर मिट्टी को पिघला करके, गला करके उससे लगाया जाता था, महिलाएं हाथ से लगाती थी, तो उससे भी चौका कहते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो भोजन वगैरह पकेगा बनाएंगे ना, वो पवित्रता के आधार पर, कोई फंक्शन हो, कोई वैसे, या फिर 5-7 दिन में वो लगाती रहती, गाँव की महिलाएं जो भी कच्चे घर होते हैं पर लगाते हैं, आज भी लगाते हैं, दीपावली होली के अवसर पर आज भी लगाते हैं, ये यूँ करके हमारे जिस पक्के घर होते हैं उसमें भी, तो फिर कोई
अच्छा जैसे कोई कार्य है, व्रत वगैरह है या फिर कोई ओकेजन है, तो उसमें पूरे घर में झाड़ू पोछा तो होता ही है, सफाई होती है, पोछा लगा, उसी प्रकार से। तो चौके का ज़्यादा लंबा अर्थ नहीं लेना, चौका है कि खाना बनाने के लिए, जो रसोई तैयार करने के लिए, जो हम लिपा पोता चौक होता है उसकी। तो हालांकि सीधा शब्द तो अर्थ क्या होगा, चौका से मतलब लेव चौका लगाने से ही होता है। तो अब कवि क्या कह रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, कि जो सुबह का आकाश था बिल्कुल नीले शंख जैसा था, लेकिन कह रहा है कि उससे पहले का, यानी कि पोप फटने से पहले का जो भोर का नभ था, आकाश था, वो कैसा था, राख से लिपा हुआ ऐसा लग रहा था, जैसे मान लो कि इस आकाश को किसी ने राखा। राख आप समझते भली भांति, जो चूल्हा जलाते हैं कहीं भी गांव हुए शहर पे हम चूल्हा जलाते हैं, तो उसमें जो लकड़ी जलने के बाद में जो राख बचती है, कुछ लोग बानी कहते हैं, कुछ राख कहते हैं, इस तरह से उस राख को अगर घी ला करके अपन किसी पे मल देते हैं, लगा देते हैं, तो पूरा आकाश का रंग कैसा लग रहा कवि को, कि मानना ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, अर्थात जैसे चूल्हे के पास या उस रसोई के आसपास जो चौका देते हैं, लेव लगाते हैं, तो उसी को ऐसा लग रहा है कि आकाश को किसी ने राख से लीप दिया हो। लीपा, लीपा ने लिपा हुआ, लीपना चौकना, जानते हैं ना कि वो गीली मिट्टी को, बताया कि लेव देना, वो मिट्टी को, गोबर को, कुछ महिलाएं हैं जो पहले गला के घोल लेती हैं और उसका थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके और पूरे आसपास क्षेत्र में लगा देती थी, उसे लीपना कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो राख का पेस्ट बनाकर आकाश को किसी ने लीप दिया हो। तो ऐसा, अब आकाश को तो वहां तक जाके कोई लीप नहीं पाता, लेकिन जैसे चूल्हे के पास, रसोई घर के पास, रसोई में जहाँ पे हम खाना वाना बनाते पवित्रता के साथ में, उस स्थान को चौका देते हैं, लेव लगाते हैं, तो जैसे हम नीचे दे रहे हैं, ऐसा मानो किसी ने आकाश को राख से लीप दिया हो। शब्द बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ कि इस बार इस पाठ में से लगभग संभावित है व्याख्याएं बोर्ड में भी आने की, तो प्रतिकार समझे इसका। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता दूँ, अपन इन पद्य रचनाओं को पढ़ते पढ़ते अलंकारों का लगभग है ना पता करना आपको आ जाएगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मानो मानो, तो जनो जानो, मनो मानो, चार अगर वर्ड आते हैं तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्ष से अलंकार मानना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को, जो प्रातःकाल तो नीला शंख जैसे दिख रहा था, लेकिन जो भोर का था समय, वो फटने का समय, तो उस समय तो कैसा ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने राख से उसे लीप दिया हो, और राख से लीपा है, और वो भी कैसा लग रहा है कि अभी अभी लीपा है उसको, अभी अभी उसे मला है, लगाया है, तो कैसा है वो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी गीला पड़ा है, कि जो पूरा आकाश वो गीला पड़ा है। ये सारी बातें कवि दूसरे अर्थ में बताना चाहता है कि जो सूर्योदय होता है उससे पहले पौ पड़ती है, तो उस समय कवि उठ गए हैं और वो देख रहे हैं कि कैसा शानदार नीला आकाश बिल्कुल है, वो शंख जैसा नीला वहाँ पे पवित्रता के साथ में दिख रहा है। और थोड़ी और उदय होता है, भोर का समय हो जाता है, तो भोर का समय में क्या है कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने राख से उसको मल दिया हो और अभी ये गीला ही पड़ा हो, ऐसा कवि को लग रहा है। बहुत ही मनोहारी वातावरण की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत काली सिल पर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल बात करें, बहुत काली सिल की बात करें यहाँ पे, ये थोड़ा सिल लिख ले से तत्सम के आधार पर लिखा हुआ है, तो बहुत काली सिल की बात करें हम यहाँ पे सिल। अब काली सिल क्या होती है, देखिए काली सिल की बात करें तो ये होती है हमारे लिए, काली का मतलब रंग से होता है और सिल का मतलब एक शिला होती है, पत्थर की होती है, जिसपे दौर देर की जिसपे हम कुछ मसाले वगैरह पीस सकते हैं, वो एक सिलबट्टा होता है गाँव के हिसाब से, वो भी हो सकता है। और काली सिल एक बड़े पर्वत को ले सकते, छोटे पर्वत को ले सकते, चट्टान को ले सकते काली सिल, ठीक है, पट्टी वगैरह कोई भी, ठीक है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, अब बात कर रहे हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह क्या बता रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने बहुत काली सिल, प्रश्न ये आ सकता है कि कवि ने आकाश को किस किस से उपमान बताया, किस किस से उपमान दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत काली सिल है, बड़ी भाई सिला पड़ी हुई है और बहुत ज्यादा रंग काले रंग की है, यही को स्लेट होता है ना, स्लेट भी इसमें आएगी, तो जरा से लाल केसर से, अब लाल रंग की जो केसर होती है, लाल रंग जो होता है, उससे किसी ने क्या कर दिया, धुल गई हो। पहले आकाश कैसा था, नीला शंख जैसा था, और उसके बाद थोड़ा और समय बाद देखा तो बिल्कुल राख से लिपा हुआ चौका नजर आ रहा है, और कवि कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी काली सिल है जिसका रंग बिल्कुल काला है, और उस काले रंग पे किसी ने लाल रंग की जैसे जो केसर होती है, ठीक है, उस केसर का लेप कर दिया हो, कि जैसे धुल गई हो। और कौन, काली
काली सिल किससे धुल गई है? केसर से धुल गई है। तो आप जानते हो कि बिल्कुल काले आवरण पर, इस बोर्ड बिल्कुल काला है, इस काले आवरण पर थोड़ा सा अगर अपन लाल रंग डाल देते हैं, फिर इसका रंग देखेंगे थोड़ा सा हमें ललवासा दिखाई देगा, लालिमा दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब ध्यान रखें आप एक बार कि स्लेट पर, अब स्लेट क्या होती है? स्लेट आप जानते हो जैसे बिल्कुल वही काली सिल की बात करें, स्लेट का मतलब वही, जैसे आज तो खैर नहीं बट पहले के ज़माने में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्लेट ला के जाती है, स्लेटी रंग वहीं से निकल के आया वर्ड, ठीक है। स्लेट होती है चौक, और एक छोटी पाटी भी कह सकते थे, कुछ गांव में लोग स्लेट कहते हैं, उस पर चौक वगैरह चलाए जाते थे, उस पर लिखा जाता था। आजकल तो खैर थोड़ा तकनीकी सिस्टम आ गया तो उसको आप प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ क्षेत्र में आज भी करते हैं। तो स्लेट से मतलब काली शिला जैसे ही होती है, और उस पर क्या कर दिया, लाल खड़िया। खड़िया क्या होती है? वही अपना ही चौक वाला ही होता है। तो सोचो कि काले रंग की क्या है, स्लेट है, और उस पर क्या कर दिया किसी ने, से लाल कलर का चौक से मल दिया पूरे ही स्लेट पर, क्या कर दिया, लाल कलर की खड़िया। चाक की बात करें, चौक की बात कर रहे हैं, वो मल दी हो, चाक मल दी हो किसी ने। तो पूरे ही इस पद में कभी बार बार ये कह रहे हैं कि जो प्रातः नभ है, प्रातःकाल का जो नभ है वो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नीला शंख जैसा उसका वर्ण लग रहा है, आवरण लग रहा है। और कुछ समय बाद फिर कवि ने फिर उसको देखा है तो कैसा लग रहा है, वो लग रहा है जैसे मानो राख से लिपा हुआ जो चौका होता वैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी वो गीला ही पड़ा है, ठीक है। क्यों, ये कारण क्या है कि पूरी रात भर तो क्या है कि बहुत ज़्यादा अंधेर रहता है, लेकिन जैसे सुबह उदय सुबह होती है तो सूर्य आता है, सूर्य उदित होता है, तो सूर्य के आने से कुछ समय पहले देखना कि पूरे जो प्रकृति है उसमें नमी आ जाती है, थोड़ा सा नमी। अब नमी का मतलब है कि पूरा जो आसमान है भीगा भीगा से लग रहा है, या जो प्रकृति है नीचे क्षेत्र है वो थोड़ा नमी आ गई है। तो नमी से क्या लग रहा है कि जो ये राख से लिपा हुआ चौका कैसा हो गया, थोड़ा गीला हो गया है। और बहुत काली सिल, फिर कवि के मन में विचार आता है कि ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी काली सिल है, और उस सिल पर वो पूरे काले रंग की हो गई है। तो काली सिल पर क्या है, किसी ने केसर मल दिया। अर्थात क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आकाश का रंग तो जैसे नीले शंख जैसे बता दिया है, राख सिल का चौका बता दिया है, ठीक है, ये उसे काली सिल भी कह दिया, ये सब आकाश के लिए कहे गए हैं। लेकिन लाल केसर क्या है, जैसे सूर्य उदय होगा तो उसकी लालिमा की जो रोशनी है वो आकाश और धरती पे ऐसा वर्ण या आवरण छोड़ती है, ऐसा रंग छोड़ती है जिससे धरती का भी रंग थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि अंधेरा रहता है धरती पे और आकाश भी बिल्कुल काला सा रहता है, दोनों के ऊपर ऐसे लाइट सी गिरती है, बिल्कुल रोशनी में हो जाती है, दोनों का रंग लाल जैसा हो जाता है। जैसे धुल गई हो किससे, केसर से, और ऐसा लग रहा है कि जो स्लेट होती है उस स्लेट पे किसी ने लाल रंग की खड़िया यानी चौक से उस पे कुछ पेंट कर दिया हो। तो ये एक मनोहारी वातावरण जो प्रातःकालीन वर्णन है, ये शमशेर बहादुर सिंह जी ने बहुत ही सादा सिंपल शब्दों में करके हृदय स्पर्शी चित्रण यहाँ पे इस कविता उषा कविता का किया है। तो पहला पद यहीं तक है प्यारे छात्र छात्राओं, और अब इसका सेकेंड पार्ट जो दूसरे पद में है, और ये बहुत छोटी और प्यारी सी कविता है, तो इससे आप दो तीन बार तो रीड करें, फिर इसका ट्रांसलेशन जो मैंने बताया उसको देखना है। इसमें विशेष में आपको ये कहना है कि प्रातःकालीन जो मनोरम, प्रातःकालीन मनोरम वातावरण का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। इस पद की भाषा सरल व सहज शैली है, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके लिए तीन पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है, और प्रसंग में आप नोट कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारे पाठ्यपुस्तक में से उषा शीर्षक कविता से उद्धृत है जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। इसमें प्रातःकालीन सूर्य उदय और आकाश की कुछ महिमाओं का या आकाश से कुछ गतियों का मनोहारी वातावरण का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और इसका अनुवाद जो भावार्थ के रूप में लिखेंगे मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है, कि प्रातःकाल का आकाश है वो बिल्कुल नीले संघ के आधार पे दिखाई दे रहा है, नीला संघ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो भोर का जो सूर्य है, भोर का जो आकाश, सॉरी, वो ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा हुआ एक चौका जो होता है उसके जैसे लग रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि अभी गीला ही पड़ा है, सूखा भी नहीं है, क्योंकि सुबह सूर्योदय होता है उससे नमी को दिखाया गया यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि बहुत काली कोई सिल है, और सिल पे किसी ने लाल रंग की केसर डाल दी हो, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल काली सिल है उसको किससे धो दिया है, लाल रंग केसर से धो दिया, तो काली सिल है
लाल रंग का केसर से धोएंगे तो कैसे हो जाएगी, उसका आवरण है वो थोड़ा केसर जैसा हो जाएगा, थोड़ा ललवासा हो जाएगा, जो सूर्य की सुबह की लालिमा होती है। और ऐसा लग रहा है कि जो स्लेट है, ये पूरा स्लेट जैसे दिख रहा है आकाश, और स्लेट पे क्या कर दिया, लाल रंग की कड़िया किसी ने पेंट कर दिया, मल दिया है ऐसा। तो ये पूरा ही वातावरण है जिसमें स्लेट है या फिर शंख है, ये सब आकाश के प्रतीक हैं, और जो केसर है, कड़िया है, लाल रंग है, ये सब हैं सूर्य उदय जो हो रहा है उसके प्रतीक है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन प्रतीकों के साथ में आप इस वीडियो को बार बार चला के देखें, नोट करें, और कोई समस्या हो तो अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।